दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आशर एक और वीडियो के साथ। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज भी 2 के मुकाबले में 3 मैचेस से हार गया है। दौरा जनूबी अफ्रीका पाकिस्तानी टीम के लिए अभी तक किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ है। टेस्ट सीरीज में भी व्हाइट वॉश होने के बाद वनडे सीरीज में भी पाकिस्तानी शहीनों ने शायकीने क्रिकेट को मायूस किया और वनडे सीरीज जीत कर टेस्ट में हार का बदला चुकाने का सुनहरी मौका भी गवा दिया। पाकिस्तान का ये मौजूदा दौरा टीम के अंदरूनी मसाइल को बढ़ाने का सबब बना जब सरफराज अहमद और दीगर सीनियर खिलाड़ियों की हेड कोच से लड़ाई हुई। इसके बाद सरफराज अहमद के 4 मैचेस में पाबंदी पर इनको वतन वापस भिजवा कर शुएब मलिक को कप्तानी देने पर भी कई हलकों ने इसे कप्तान की तब्दीली का एक कदम उठाने के मुतरादिफ करार दिया। शुएब मलिक ने जिस तरीका से 4थे एक रोजा मैच में अटैकिंग कप्तानी के फ्राइज सर अंजाम देकर प्रोटीज को 4 शाने जीत करके मैच जीता था तो इसके बाद इनकी बतौरे कप्तान वर्ल्ड कप खेलने की तजावीज भी सामने आई। मगर 5वें मैच में इनकी कप्तानी के गुब्बारे से ऐसी हवा निकाली गई कि T20 में लगातार 12 मैचेस जीतने वाली टीम के लिए 1 फरवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज में भी शिकस्त के साए मंडलाने लगे हैं। शुएब की कप्तानी के गुब्बारे से हवा निकलने वाली बात हमने इसलिए की है कि आखिरी मैच में चंद एक क्रिकेटर की जानिब से कैरियर की बदतरीन कारकर्दगी दिखाई गई। मिसाल के तौर पर शदाब खान ने पहले बैटिंग में 19 रन के लिए 42 बॉल जाया की तो बाद में बॉलिंग करवाते हुए भी 78 रन दे दिए। यूं ही जैसे प्लेयर के शयान शान हरगज नहीं है क्योंकि वो जब भी बैटिंग के लिए आते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट हमेशा से ही शानदार रहा है और 78 रन देकर कोई विकेट भी ना लेना क्या ये एक महज इत्तेफाक था या कुछ और, हम अभी इस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये हकीकत आने वाले T20 सीरीज में भी उस वक्त वाजिया हो जाएगी जब आपको चंद खिलाड़ी जान लड़ाते हुए तो चंद सहल पसंदी से काम लेते हुए ग्राउंड में नजर आएंगे। इस दौरे के तल्ख यादों के अलावा एक बाप ऐसा भी है जिसने सारे पाकिस्तान के सर फकर से बुलंद कर दिए हैं और वो 19 साल नौजवान बॉलर शहीन शाह अफरीदी है। शहीन शाह अफरीदी ने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन बॉलर का एजाज पाया तो अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस में भी पाकिस्तान को इब्तदाई कामयाबियां दिलवाई है। शहीन शाह अफरीदी की खास बात इनकी रफ्तार और बॉल को दोनों तरफ स्विंग करने की सलाहियत है। शहीन शाह अफरीदी की कमिटमेंट और टीम से मोहब्बत का अंदाजा आप एक वाकया से लगा सकते हैं कि नौजवान किस तरह अपनी टीम की जीत से खुश और हार से दिल बर्दाश्ता होता है। मरहूफ साफी फिजान लखानी ने शहीन शाह अफरीदी का एक वाकया सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिजान लखानी ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि शहीन अफरीदी बहुत आजिज और सादा इंसान है। जिस वक्त वो शुरुआत में अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हो सके तो वो लाहौर कलंदर की इंतजामिया के पास गए और कहा कि मैं अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको तमाम रकम वापस करना चाहता हूँ। लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने शहीन शाह अफरीदी को हौसला दिया और इसके बाद उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। दोस्तों जैसे मुहिब्बे वतन खिलाड़ियों की पाकिस्तानी टीम को अशद जरूरत है जो अपने लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अगर ये जज्बा पाकिस्तानी टीम में पैदा हो जाए तो इमाम उल हक सेंचुरी बनाने के बाद जल्दी आउट ना हो और बाबर आजम भी 50 बनाने के बाद एक लंबी इनिंग खेलेंगे तो साथ में शुएब मलिक भी मीडिया पर आकर इस बात की वजाहत दे देंगे कि वो कप्तान की तब्दीली की किसी साजिश में शरीक ना है और सिर्फ टीम की जीत के लिए ही खेलते हैं। दोस्तों इस दुआ के साथ अल्लाह ताला शहीन शाह अफरीदी जैसी सोच हर पाकिस्तान में पैदा कर दे ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो। मोहम्मद आशर को इजाजत दे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।